नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल दीवार डंपिंग में भयानक आग लग गई। वैसे इस डंपिंग में कई महीने से आग लगी हुई है, मगर कल रात जो आग डंपिंग में लगी वो बड़ी ही भयानक थी। इस डंपिंग से जो धुआं निकलता है वो मुंब्रा और दीवा की तरफ जाता है। मुंब्रा और दीवा के लोग कई महीनों से दीवा डंपिंग से निकलने वाले धुएं से परेशान है। आपको बता दें कि कई महीनों से इस दीवा डंपिंग में आग लगी हुई है, जिसका जहरीला धुआं मुंब्रा और दीवा की तरफ जा रहा है, जिससे शहर में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है। हम आपको कल रात की वीडियो दिखाते हैं कि डंपिंग में कितनी भयानक आग लगी थी। आपने देखा आग कितनी भयानक थी। आग तो सुबह तक बुझा दिया गया, मगर अब इस डंपिंग में धुआं निकल रहा है, वो सीधा मुंब्रा शहर की तरफ आ रहा है। जिस तरह से दीवा मुंब्रा की हवाओं में ये जहरीला धुआं फैल रहा है, इससे बहुत खतरनाक बीमारी शहर में फैल सकती है। कहीं ना कहीं महानगर पालिका लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, आग बुझाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले दिनों जब हमने बात की थी ठाणे महानगर पालिका के उप महापौर रमाकांत मड़वी से, रमाकांत ने उस वक्त आग बुझाने की बात की, कहा बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए लगाया जाएगा, मगर रमाकांत मड़वी ने जो बात कही वो अभी तक गलत साबित हो रही है, क्योंकि दीवा डंपिंग में आग बुझने के अलावा और तेजी के साथ डंपिंग में फैल रही है। अब आप इसे मनपा की लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। रमाकांत मड़वी ने बताया था कि दीवा डंपिंग यहां से हटा दिया जाएगा, जिसकी बात फॉरेस्ट विभाग से चल रही है, मगर ये नहीं बताया कि कब तक ये डंपिंग हटाई जाएगी। ये मनपा की सबसे बड़ी लापरवाही है, जो दीवा डंपिंग की आग बुझाने में नाकाम साबित हो रही है। अगर ठाणे महानगर पालिका दीवा डंपिंग ग्राउंड की आग जल्द से जल्द नहीं बुझाएगी तो दीवा और मुंब्रा में एक भयानक बीमारी इस जहरीले धुएं से फैल सकती है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।